हम लोग आज एम्ब्रियोलॉजी के या कहें तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के थर्ड एपिसोड में हैं। मैं एज यूजुअल गणेश सिंह चौहान, मैं डॉक्टर पीएल सैनी, सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छी जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट हो रही हैं। आपको गुरु नीति में भी बेहतरीन आपके नॉलेज का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस एपिसोड में कंटिन्यू रहें, चीज़ों को समझें। इसमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ओबियसली मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ कई क्वेश्चन ऐड हो गए, ठीक है ना। तो हम लोग सर फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि 81 है यहाँ पर। क्या गिविन बिलो इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एन एग एपरेटस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट देम। ये हमारा सर यहाँ डायग्राम दिया है जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, एनसीईआरटी को फॉलो करता है। देखो इस डायग्राम में क्या खास बात है वो समझने की जरूरत है। तो इसमें यहाँ पर एक्चुअली ये सेक डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है सर। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ दो ही सेल इन्होंने दी। जी बिल्कुल, और इसीलिए बच्चा इसको कैसे समझेगा। जैसे मान के चलो यहाँ इंटरेस्टिंग जो इस डायग्राम की खूबसूरती है या जरूरत है आपकी वो ये है कि यहाँ पर ये जो सेल है वो सिनर्जिटिक है क्योंकि इसमें फिलीफॉर्म एपरेटस आपको नजर आ रहा है। तो अच्छा, ये आपके मेल गैमेट्स हैं, पोलर ट्यूब के थ्रू आ रहे हैं। अब ये जो सेल है इसे यहाँ पर एग कंसीडर किया गया, ये एग है क्यों, क्योंकि ये लेटरल साइड में सिनर्जिट है, सिनर्जिट पर पोलर ट्यूब पहुंच रहे हैं और पोलर ट्यूब के साइटोप्लाज्म में ही दोनों न्यूक्लियस को रिलीज किया जाएगा, वहां से एक ट्रिपल फ्यूजन और एक डबल फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि सिनगेमी के लिए मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, वैसे आप नॉर्मली क्या मानते हैं कि सिनर्जिट के बीचों बीच एग की पोजीशन होती है, लेकिन यहाँ दो सेल है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो इसमें सर अपन देखें कि ए ये सेंट्रल सेल हो जाएगी। जी बिल्कुल, और जो बी है वो एग हो जाएगा, बस है ना। हाँ। और आपका जो सी है वो सिनर्जिट हो गई, डी फिलीफॉर्म एपरेटस है, थर्ड आंसर चला गया। थर्ड आंसर अपना राइट है। हाँ, तो इसमें एक्चुअली क्या था, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, ये डायग्राम को ठीक से याद रखना समझना बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जायगोट सेल या सेल ऑफ एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसे शॉर्ट फॉर्म में सर अपन के नाम से भी जानते हैं, सस्पेंसर सेल। सर देखिएगा, अब इसने ट्रिपल फ्यूजन के लिए बोला, आपके पास ये एम्ब्रियो सेल हो गया और इस एम्ब्रियो सेल की ये वाली जो सेल है सेंट्रल सेल है, ये आपके पास एग सेल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग सेल इज कन्वर्टेड इनटू जायगोट एंड सेंट्रल सेल, इसके साथ में आपके पास ये टू पोलर न्यूक्लियाई थे, थर्ड इसके साथ ऐड हो गया, तो ये 3N जो है ना और न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस के लिए आप वर्ड यूज करोगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेल के लिए इस कंप्लीट सेल के लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे वो है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सो अपना आंसर आज चला जाता प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थर्ड। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, इनको आपने ये मान लें कि यहाँ पर लिखा है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा चौहान साहब आपको सर, सर कि जितने भी डायग्राम हमारे एनसीईआरटी के मोस्टली वो एग्जाम के अंदर एजिटेड जो है दे दिए जाते हैं, कट पेस्ट कर दिए जाते हैं, तो आप लोगों को एग्जाम तो हर मतलब हर डायग्राम जो है वो एग्जाम में याद रखना होता है। यदि उसमें क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है चौहान साहब, तो फिर उसके बाद में वो चीज लंबे टाइम तक याद रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल चौहान साहब। तो ये द अबव फिगर शोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोफिली इज, एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा अपन को इसको एलैबोरेट करके समझना चाहिए कि जो हाइड्रोफिली है मींस वाटर पॉलिनेशन है, वो दो तरीके का कंसिडर किया गया है, एक हाइपो हाइड्रोफिली होती है सर, एक एपी हाइड्रोफिली।
मतलब एक में पॉलिनेशन अपर सरफेस पर चल रहा है और एक में इनर सरफेस पर भी पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, जैसे हाइड्रा के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है जहां वाटर के अपर सरफेस पर कहीं ना कहीं ये जो मेल फ्लावर है, ये इस जो फीमेल फ्लावर है जिसकी स्टिग्मा है, यहाँ पर ये मेल फ्लावर है, ऐसे ये वाटर करंट के थ्रू ऐसे पास आउट होते हैं। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इसके एंथर लोब कहलाते हैं और ये लोब तभी ब्लास्ट होते हैं जब ये स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो यहाँ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसमें ट्राइफिड स्टिग्मा की बात करी गई है, आप देख पा रहे हो ट्राइफिड स्टिग्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज ये है कि इसका जो एंथर लोब ब्लास्ट होने के बाद में इसके पोलर ग्रेन इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आखिर इस फीमेल फ्लावर में कॉइलिंग क्यों की गई है। यहाँ पर अपन इस तरीके से ये कॉइलिंग को देख रहे हैं, तो ये कॉइलिंग की क्या वजह मानी जाती है? तो कॉइलिंग की जो वजह है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस जो फीमेल फ्लावर है इसके स्टिग्मा को वाटर के जस्ट अपर सरफेस पर एग्जिस्टिंग मोड में रहना है, तभी इससे मेल जो फ्लावर है वो कॉन्टेक्ट में आ सकता है। तो होता ये है कि वाटर की सरफेस कांस्टेंट नहीं होती सर जी, बिल्कुल, तो ये कम या ज्यादा हो सकती है। हाँ। तो उसको मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग अप डाउन होता है, अप डाउन ये करने के लिए ऐसी प्रोसेस होती है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो पानी के अपर सरफेस पर ही कंडक्ट हो रही है। फीमेल जो फ्लावर है वो अपर सरफेस पर पहुंच जाते हैं, मेल फ्लावर की लोकेशन सर इनर वाटर में होती है, वहां से ये अपर साइड में जाते हैं। इन्हें यहाँ पर कहा गया है कि ये बोट सेफ भी होते हैं, जैसे बोट से हम फ्री फ्लोटिंग करते रहते हैं और ये तब तक फ्री फ्लोटिंग करते हैं वाटर करंट के साथ में जब तक ये स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में नहीं आ जाते। जैसे ही कॉन्टेक्ट में आते हैं सर ये अपने पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एपी हाइड्रोफिली एग्जाम्पल बन जाता है, हाइपो ये हाइड्रिला में होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो नहीं सकते, तो कहने का मतलब अपना राइट आंसर एपी हाइड्रोफिली बन जाता है। तो दोस्तों ये डायग्राम जो था वो आपका था टैप ग्रास का, मींस वैलिशनेरिया का, बिल्कुल। और वैलिशनेरिया में जो मतलब टाइप ऑफ पॉलिनेशन है वो कैसा है? एपी हाइड्रोफिली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, तो उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीएन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज करैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मींस जो पीएन बन रहा है वो किसका करैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मतलब सर जैसे कहा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज ए करैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, ओनली एंजियोस्पर्म। देखिए एंडोस्पर्म आपको दो प्लांट्स में देखने को मिल सकता है, दो ग्रुप में देखने को मिल सकता है, या तो आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म में या मिलेगा एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है और जिम्नो में बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। सो इन जिम्नोस्पर्म इट हैव मतलब इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, व्हाइल इन एंजियोस्पर्म इट इज 3n स्ट्रक्चर। तो 2n प्लॉइडी इसकी कभी नहीं हो सकती, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसने बोला है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आंसर हमारा एंजियोस्पर्म चला जाए। यहाँ सर एक बात अपन और इनको बता दें जी बच्चों को कि एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होती है जी, एक सिंगेमी है और एक ट्रिपल फ्यूजन, बिल्कुल सही। तो सिंगेमी की जो प्रोसेस है सर वो तो एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक आपको मिल जाएगी। सिंगेमी इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, वेयर वन मेल गैमेट फ्यूज विद अनदर फीमेल गैमेट, बिल्कुल करेक्ट। मींस दिस इज फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स जी जी टू प्रोड्यूस जायगोट। अच्छा इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो जो नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन आती है। अब जो ट्रिपल फ्यूजन है वो एक्चुअली हमें यहाँ पर 3n pn का फॉर्मेशन करा के देता है और इसी से बनता है बाद में चल के फिर एंडोस्पर्म, बिल्कुल, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों प्रोसेस मींस ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन एक ही जगह सिर्फ हमें एंजियोस्पर्म, इसलिए आंसर अपना। इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल फीमेल गैमेटोफाइट हाउ मेनी डिविजन्स अकर्स इन फंक्शनल मेगा स्पोर न्यूक्लियस? वन मियोसिस, क्योंकि सर यहाँ पर फंक्शनल मेगा स्पोर की बात करी जी, जी, जी। मींस यहाँ पर अपने
ये अपना एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक में ये जो न्यूसिलस है यहाँ पर इसमें मियोसिस हो रही है, मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस। अब इससे क्या हो रहा है कि फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर लीनियरली अरेंज हो रहे हैं, आउट ऑफ देम थ्री आर डिजेनरेट है ना, और वन फंक्शनल मेगास्पोर्स आर रिमेन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। इसके अंदर से कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे? तो ऑब्वियसली तीन माइटोटिक डिवीजन होंगे सर। तीन माइटोटिक डिवीजन से हर एक जो एम्ब्रियो सैक है वो सेवन सेल्स और एट न्यूक्लियस कंडीशन में जनरेट होता है। तो ये भी एनसीआर ने क्लैरिफाई किया है, चाहे वो डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक हो, चाहे वो टेट्रा हो, चाहे वो बाइस्पोरिक हो, ऑल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट हैव सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस कंडीशन। बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट within a flower, between two flower of different plant of same species, none of these. ये autogamy के respect में एक अच्छा question है। जैसे एक ही plant है, एक ही plant पर अगर दो flower हैं अलग अलग branches पर सर, तो वो autogamy जितना gamy करेंगे तो इसलिए उसको तो हम लोग ये वाला part तो gametogamy के लिए निकाल देते हैं। हाँ, जितना gamy के लिए चला जाएगा। और ये विदिन ए फ्लावर, हां ये क्लिस्टोगेमी के लिए, क्लिस्टोगेमी के लिए ऑटोगेमी, ऑटोगेमी होगी इसमें अंदर। हां बिल्कुल बिल्कुल सर। बिटवीन इसको जीनोगेमी बोलते हैं। आप फिर से जीनोगेमी का करेक्टर आ गया, तो इसलिए हम सेकंड बच जाए है ना जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोसिस प्लांट प्रिवेंट बोथ जीनोगेमी एंड ऑटोगेमी, ऑटोगेमी बट नॉट जीनोगेमी, only chenogamy, only chetogamy sir। monosis plant means both sex organs are present in flower, so prevent kisko kar sakta hai? ha iske liye to hum log bhi keh sakte hain monosis plant prevent both xenogamy and autogamy। ye to nahi hoga sir, xenogamy to ho sakti hai aur monosis hai। दोनों फ्लावर एक ही पोजीशन पर, एक ही प्लांट पर है, दोनों सेक्स ऑर्गन। हां वो आपने मेल्स अपन अक्सर डिस्कस करते हैं कि यहां पर ये इसके मेल फ्लावर है और इसके जो नोड रीजन है वहां पर अपना ये बूटा लगे कॉम लगा हुआ है, तो यहां से ये पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए तो आ जाएंगे ना, तो जीरो भी हो सकती है और याना गेटेनो भी हो सकती है, लेकिन ऑटोगेमी तो नहीं नहीं होगी। हां ऑटोगेमी हो जाएगी। हाँ, है ना? तो ये तो ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी जी, है ना जी। अच्छा ये बात हो गई। ओनली जीनोगैमी भी जरूरी नहीं, ओनली वो जरूरी नहीं। हाँ, ओनली जीटोनोगैमी ये भी जरूरी नहीं, जीनो भी हो सकती है और गेटेनो भी हो सकती है। सेकंड आंसर चला जाता है, तो अपना सेकंड आंसर इसका चला जाता है और ये अपना हमें मेज प्लस ये हमें मिल जाएगा कैस्टर। हाँ, कैस्टर इन दोनों में ये चीज। अच्छा ये एनसीईआरटी में लायंड भी है सर जी। इसके मेज और कैस्टर के रिस्पेक्ट में बात करिए जी। फिर उन्होंने कहा है कि देखो पपाया जो है उसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बट वो डायसेस प्लांट, बट लाइक डायसेस है वो, उसमें मेल और फीमेल अलग प्लांट अलग है। पपाया ऑलवेज रिप्रेजेंट एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है। ये बात autogamy can occur in chrysogamous flower if pollen mature before maturity of ovule, मतलब pollen grain ovule की maturity से पहले mature हो जाए, ovules mature before maturity of pollen, both pollen and ovules mature simultaneously, मतलब at the same time है ना, तो means ये synchronization से related बात हो रही है, है ना जरूर। इसे अपन एक सही टर्म में होमोगेमी भी कहते हैं। बिल्कुल, एक होमोगेमी होती है वो डिकोगेमी होती है, तो डिकोगेमी तो आउटब्रीड डिवाइसेस के रिस्पेक्ट में आ जाएगी, तो होमोगेमी यहाँ पर आते हैं। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर
ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये भी सिंक्रोनी के रेस्पेक्ट में आ रहे, लेकिन ये ज्यादा बेटर। देखिए पोलन जो है यदि ओव्यूल से पहले मैच्योर हो जाते हैं तो आप जानते होंगे कुछ स्पीसीज में पोलन ग्रेन्स की लाइफ स्पान बहुत छोटी होती है, तो उसमें ऑटोगेमी होने की पॉसिबिलिटी घट जाती है। यदि हम लोग ये देखें कि ओव्यूल पहले डेवलप हो गया तो क्या होगा, पोलन ग्रेन ये उसको कई बार से मिल जाएंगे तो क्रॉस पोलिनेशन होगा। हमारे पास एक कंडीशन बचती है कि दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो, तो उस कंडीशन जो टर्म्स भी हैं थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो प्रोटेंड्री प्रोटगाइनी बिल्कुल उसमें आउटब्रीड डिवाइसेस को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम इवेंट्स दैट आर रिलेटेड विद द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम मतलब जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी के रिस्पेक्ट में ये बात की जाती है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और उसके सीक्वेंस में आगे की तरफ किस प्रोसेस को ले जाएंगे। तो सर जैसे वो मेंडल ने सर क्रिस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अपनाते हैं, बिल्कुल मतलब उसमें ये बात कही जाती है कि दो जो पेरेंट लेते थे उनमें एक को एक टाइम में फीमेल और सेकेंड एक्सपेरिमेंट उसी को मेल की तरह वर्क कराते, बिल्कुल बिल्कुल या यूज करते हैं। जी जी, तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स ही हो जाएगा सर। जी बिल्कुल, है ना। हाँ। उसके बाद में डस्टिंग द पोलन ऑन अ स्टिग्मा, कलेक्शन ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पेरेंट्स, एमास्कुलेशन फिर उसके बाद हम मेल प्लांट से जो है पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे तो सी आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास हम डस्टिंग करेंगे इसकी और फिर रीबैगिंग कर देंगे। हाँ, तो यहाँ और फिर यहाँ से इस से। तो मेरा सीक्वेंस आ रहा है जो आंसर ए डी ई सी बी एफ, तो इसका मतलब है थर्ड आंसर अपना। जी बिल्कुल चार। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे शायद कि हमें सबसे पहले तो डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट करना होता है, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकेंड नंबर उसमें सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना आपको, तो आपको सबसे पहले इमैस्कुलेशन करना होगा, आई मीन उसके एंथरलोब को रिमूव करना होगा, तो हमारा सेकंड ये आ जाता है। थर्ड कंडीशन फिर उसके बाद उसके अंदर अनवांटेड पोलन ग्रेन्स एयर या इंसेक्ट या अदर किसी पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू ना पहुंच जाए, इसके लिए बैगिंग करनी होगी। बैगिंग करने के बाद हमें जो है ना मेल प्लांट जिसको हमने कंसिडर किया है उससे पोलन ग्रेन्स जो है कलेक्ट करने होंगे और देन उसकी डस्टिंग करनी होगी, तो पहले कलेक्ट करेंगे और बाद में डस्टिंग कर देंगे, और फिर और कहीं आउटसाइड से कुछ ना आ जाए इसके लिए हम उसको रीबैग करेंगे। अच्छा, ये सारी प्रक्रिया जो है सर बट कंडीशन में ही चलती। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि पिछले उसमें बताया था, ये बिल्कुल बट कंडीशन बात है। आप इसे फ्लावर ओपन होने वाली कंडीशन में नहीं, तब तक तो हो सकता है कि पोलिनेशन हो चुका हो, पोलिनेशन कंप्लीट हो चुका होगा, तभी तो एक क्वेश्चन अक्सर सर अपन स्टडी कराते हैं कि हम फ्लावर में मियोसिस कहां स्टडी करते हैं, तो बट कंडीशन मैं उसके एंथरलोब को लॉन्ग रिबिड लाइक पोलन ग्रेन कवर्ड विद द म्यूसिलेजिनस शीथ आर फाउंड इन, ये सर हाइड्रोफिली में लिखा हुआ है, बिल्कुल जोस्टेरा के लिए रेस्पेक्ट में कहा गया है कि जोस्टेरा इज ए मेराइन प्लांट कंटेन लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, दे आर रिबिड शेप्ड एंड आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, तो लॉन्ग होंगे तो वाटर पे इजीली फ्लोटिंग हो जाएगी, बिल्कुल और म्यूसिलेजिनस एनवेलप होगा तो मतलब वाटर डिकिंग से बच जाएंगे, बिल्कुल सर वाटर से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स इंसेक्ट तो नहीं होगा, बर्ड नहीं होगा, एयर नहीं होगा, तो ये कहीं लिखा है अपना फर्स्ट राइट आंसर बच जाता है, ये भी एनसीईआरटी में एक्चुअली लिखा होगा। जी सर, after incompatibility pollen grains inhibited for their growth by following process, sir ye bhi bahut acha question hai aur mere khayal se isko discuss ki bahut requirement hai। kaha gaya hai ki pollen-mycel interaction mein kaha jata hai ki
पॉलिनेशन इज ए अनसर्टेन मैकेनिज्म देन पोलन ग्रेन ऑफ वेरियस स्पीशीज मे सेड और रेज्ड ऑन सेम स्टिग्मा देन स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन रिक्वायर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन means it is a chemical mediate reaction here stigma decide which are right pollen grain for germination or which are not ji theek hai to fir hota hai kaha gaya hai ki here upper surface of stigma and pollen grain represent a dialogue ek shabd use kiya dialogue in the form of chemical reaction if chemical reaction are in proper direction then they represent compatibility ji if reaction are not in proper direction then they represent incompatibility ab baat aati hai ki jo incompatible pollen grain hue ab inke sath mein kya kiya jaye to kaha jata hai jo incompatible pollen grain hote hain wo jab yahan pahunch jate hain to inke sath mein inhibition do tarike se ho sakta hai ji ji नंबर वन तो यहाँ सर कैलस प्लग बनाते हैं तो कैलस प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है कैलस प्लग प्लग ये प्लग बनता है और इस कैलस प्लग को ये एंटर पेनिट्रेट नहीं कर पाता क्रॉस नहीं तो ये आगे नहीं जा पाते इनको यहीं पर जर्मिनेशन से इनहिबिट किया जाता है जी जी यहाँ सर दूसरी बात एक और एनसीईआरटी ने कही है अगर इन्होंने कैलस प्लग को या जर्मिनेशन कर भी लिया इन्होंने पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुंचा भी दी जी जी तो जो स्टाइल है वो इस पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन देना बंद कर देगी मींस यहाँ पर इसकी भी ग्रोथ को चेकआउट इनहिबिट कर दिया बिल्कुल तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में तो लिखा इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा या तो यहीं पर स्टिग्मा को ये इसको जर्मिनेशन को रोक दे या इनहिबिट ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टार्ट करेक्ट ये दोनों ही इसके करेक्ट माने गए हैं ब्रेक डाउन ऑफ स्पोरोपोलन इससे कोई भी नहीं ये कोई मीनिंग निकलता नहीं है तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर सर बनता है जी ये एनसीईआरटी में लिखा है आप जरा ध्यान से उसको देखो तो ये लाइन में मिल जाए ठीक है जो आंसर ने बहुत अच्छी बात बताई आपको ये वाली जो है कैलस प्लग वाली प्लस इसको न्यूट्रिशन ना प्रोवाइड करने वाली तो ये दोनों ही कंडीशन जो है सेल पोलिनेशन को रोकने के लिए या मतलब है ना इनकम्पेटेबिलिटी इनकम्पेटेबल को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के लिए गलत देखो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा सेगमेंट है एनसीईआरटी में जहां से अक्सर एग्जाम में सर क्वेश्चन आता है बिल्कुल तो वो डायग्राम भी हो सकते हैं वो अपने कंसेप्चुअल बेसिस पर भी हो सकते हैं It is discovered by Navashin in Lilium and Fritillaria plants. जी बिल्कुल करें. बिल्कुल. अच्छा ये एक टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता था. एजी नवाशिन. अक्सर आया भी करता था सर. जी बिल्कुल. अच्छा fusion of one male gamete with egg called syngamy. करेक्ट है ये भी. मतलब बिल्कुल. इसे true fertilization कहेंगे और ये एल्गी से लेकर आपके एंजियोस्पर्म तक प्रसेंस हो सकता है. ट्रिपल फ्यूजन ऑल्सो टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इन ऑल प्लांट्स ये तो गलत हो हां न्यू प्रोजेनी इससे नहीं बनी कि वो तो जायगोट से बनती भाई जायगोट से ये तो केवल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही बनेगा बिल्कुल ये भी ऑल प्लांट तो वैसे ही यहां पर इसको एग्री नहीं करा है और जॉन सर ट्रिपल फ्यूजन भी बताया इसने ट्रिपल फ्यूजन मींस ये ओनली मतलब ना डबल फर्टिलाइजेशन की ही बात कर रहा है बिल्कुल तो ये केवल उस सिंगेमी को तो काउंट ही नहीं कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए न्यू प्रोजेनिस जो है वो तो उसे मतलब सिंगेमी से प्रोड्यूस हो तो ये रॉन्ग हो गया हमारा और ये आंसर अच्छा रॉन्ग ही पूछा है तो हमारा राइट आंसर भी यही बन रहा है नेक्स्ट और देखिएगा बोथ मेल गैमेट रिप्रेजेंट फ्यूजन विद टू डिफरेंट सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेट करेक्ट है अलग अलग सेल को मतलब वो फर्टिलाइज करेंगे एक एग सेल को और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बिल्कुल सर एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली में स्टडीड इन फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट ये भी फिर हुई एनसीईआरटी के बेसिस पर है ना तो अभी अभी हम लोगों ने वेलेस्टेरिया की स्टडी की थी अब हाइड्रो हाइड्रोला के अंदर हाइपोहाइड्रोफिली हो जाएगी जी जी बिल्कुल और इसमें एपी हो जाएगा तो इसमें सीधे आपको याद रखना है वेलेस्टेरिया अभी अभी अपन ने स्टडी अच्छा लोटस के रिस्पेक्ट में बात करें तो सर इंसेक्ट पोलिनेशन होगा वाटर एसिड में इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा दोनों में अच्छा लोटस में फिर इंसेक्ट हो जाएगा
तो हाइड्रोफिली बी की दोनों एक ऑप्शन है, वैलिसिटी हाइड्रोला वैलिसिटी जी सर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के डिफरेंट कैरेक्टर को हमें स्टडी करना है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन ये किसमें है? अच्छा, अबव कैरेक्टर आर रिलेट विद द फॉलोइंग पॉलिनेशन जी। एक पर्टिकुलर पॉलिनेशन से के रेस्पेक्ट में हमें इनको कनेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। एक्सपोज्ड स्टेमेन एंड फेदरी स्टिग्मा, ड्राई एंड नॉन स्टिकी, सारे के सारे जो कैरेक्टर है सर, से रिलेटेड, वो एनिमोफिली से रिलेटेड जा रहे हैं, मींस विंड पॉलिनेशन के लिए ये बात कही जा रही है। एनिमोफिली में जो है वो उसमें काफी सारे पोलन ग्रेन्स जो है वेस्ट से ले जाते हैं, क्योंकि एयर करंट जो होती है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती है, तो प्लांट को उसकी मतलब ना श्योरिटी के लिए फॉर पोलिनेशन वो क्या करता है, मैनी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। सो मैनी पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड इन प्लांट। फर्स्ट हमारा करेक्ट है किसके रेफरेंस में, एनिमो की। सेकेंड नंबर रहता है हमारे पास ये वाला सर, शायद आपने एक्सपोज स्टेमेन, हाँ इस एक्सपोज स्टेमेन एंड फेदरी स्टिग्मा। देखिएगा स्टेमेन जो है वैसे एयर में सस्पेंडेड है और जैसे ही हिलेंगे तो पोलन ग्रेन्स धीरे धीरे रिलीज होते चले जाते हैं, तो एक्सपोज होते हैं, और साथ साथ में फेदरी स्टिग्मा है तो एयर इससे फिल्टर हो जाएगी, और एयर फिल्टर हो जाएगी तो पोलन ग्रेन्स इसके अंदर अटक जाएंगे, अदरवाइज पोलन ग्रेन को रोकने के लिए इन प्लांट के पास और कोई साधन है नहीं। तो ये करेक्ट हो गया, और ड्राई और नॉन स्टिकी होने जरूरी है, अदरवाइज ये लीफ से या पता नहीं किससे जो है ना और अटैच हो जाए, तो इसलिए ड्राई और कैसे होने चाहिए, एक लाइट वेट भी इसका एक अच्छा करेक्टर है। भाई लाइट वेट होंगे तभी आप हवा में फ्लो कर सकते, और एक विंड होंगे तो भी अच्छा है। वो ऐसे जो मेज होता है इस मेज के जो कॉम है उसमें यहाँ पर जो इसकी कवरिंग होती है इस तरीके से, इस कवरिंग के जो ऊपर हमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इस तरीके का हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आते हैं। एक्चुअली भुट्टे में देखा हो भुट्टे के भुट्टे में अपर साइड में, तो ये यहाँ पर इन्होंने स्टिग्मा का मॉडिफिकेशन बताया जी, तो दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिग्मा जी, इससे एयर पास हो जाएगी, स्टिग्मा स्टिग्मा ये स्टिग्मा का मॉडिफिकेशन है। और ये अब यहाँ पर ये जब पोलन ग्रेन हवा से आते हैं तो ये इसमें जो सर आपने यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन की है, तो वो यही चीज है ना, तो ये अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ ये तो है ही है, इसके साथ आप विंग्ड पोलन ग्रेन, लाइट वेट पोलन ग्रेन, ये वर्ड पिछले साल ही सर पूछा गया था पाइनस के रेस्पेक्ट, विंग्ड पोलन ग्रेन पाउंड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सेफ एरिया फॉर लेइंग एग्स एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स जी, तो कौन है सर? एक तो एमार्गोफॉलस है, हाँ, और ये आपका और आपका यक्का जी, बिल्कुल आपका फोर्थ आंसर बनता है यहाँ पर। ये इसमें पॉलिनेशन के अगेंस्ट ये उन इंसेक्ट को एक प्रपोजल देते हैं कि आप अपने एग यहाँ पर डेवलप कीजिए, लार्वा और लार्वा से अपने लार्वा को फूड प्रोवाइड कराएंगे, एग सेफ एग लेइंग जो है ना और प्लेस प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन ऑफ किसके हैं? प्लांट रिप्रेजेंट बाइबल पीरियड। अच्छा ये है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैचिंग करना है ए, तो ग्रासेस अगर रखते हैं तो पोलन ग्रेन ऑफ ग्रासेस प्लांट रिप्रेजेंट बी फ्यूमन। फ्यूमन तो नहीं होगा सर, मिनट्स होते हैं वो, तो आपका मिनट्स होते हैं, हाँ वो 30 मिनट्स के लगभग आसपास होता है। तो धतूरा ये भी डायग्राफ हो गया, सोलेनेसी का, ये सोलेनेसी फैमिली का चला, फ्यू मंथ में चला गया, मंथ में चला जाएगा, तो फिर आपके ग्रासेस, ग्रासेस ये अपना आंसर सही बन जाता है। ग्रासेस के लिए कहा गया है
कि एंथर लोब से निकलने के बाद एक पोलन ग्रेन को विद इन 30 मिनट्स स्टिग्मा पर पहुंचना ही होगा, नहीं तो उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो फर्दर फर्टिलाइजेशन करने लायक नहीं होगा। अच्छा जी, सिलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर आउटब्रीड डिवाइसेस जी, ये बड़ा बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा, ये डिस्कशन का विषय है। आउटब्रीड डिवाइसेस के लिए कहा गया है, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म अपना इवोल्यूशन चाहता है, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको एनवायरमेंट के लिए बेटर अडेप्टेशन प्रोवाइड करना चाहता है, इसलिए यहाँ बात कही गई है कि क्रॉस पॉलिनेशन मस्ट है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा तो उसमें वेरिएशन आएंगे, नए एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेशन आएंगे सर, तो इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगे। तो यहाँ एनसीईआरटी ने आउटब्रीड डिवाइसेस में कहा गया है कि मैकेनिज्म और प्रोसेस व्हिच एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिसकरेज सेल्फ पॉलिनेशन आर इंक्लूडेड इन आउटब्रीड डिवाइसेस। इसमें उन्होंने यूनिसेक्सुअलिटी ली है, सेल्फ स्टेरिलिटी को लिया है, हेटरोस्टाइली को लिया है, हाइपोगेमी को लिया है, डिकोगेमी को इन्होंने इंक्लूड किया, तो वही चीज है सर, दिस डिवाइस एनकरेज एलोगेमी, करेक्ट, एलोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है ना, इसके बाद में है दे डिस्करेज क्रॉस पॉलिनेशन, नहीं ये तो इंक्रीज करेंगे, दे एनकरेज सेल्फ पॉलिनेशन भी रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग है, तो मतलब इसमें राइट सर पूछा है तो अपना फर्स्ट राइट आंसर बिल्कुल सर। पॉलिनेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ एक पॉलिनेशन की ऐसी प्रोसेस है जो एंजियोस्पर्म और सर जिम्नोस्पर्म में कॉमन, तो एनिमो आ जाए, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली मतलब एयर पोलिनेटेड प्लांट्स, सो एनिमो आंसर आ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वैसे यहाँ पर एक अच्छी बात ये बता दें सर, ट्रिलोफाइट ने अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी शो की थी, जी जी जी, उसी को हटाने के लिए जिम्नोस्पर्म ने एनिमोफिली को अपनाया, अडॉप्ट किया था, लेकिन कहा जाता है कि अगर नेचर में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी मेन सब दो वजह यहाँ मेरे दिमाग में आती है, एक वजह तो ये है कि एंजियोस्पर्म ने मैक्सिमम मोड ऑफ पॉलिनेशन को अडॉप्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल भाई, उन्होंने एयर के साथ साथ में इंसेक्ट को भी इनवाइट किया, बर्ड्स को भी इनवाइट किया, और दूसरा इन्होंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये किया कि इन्होंने अपने सीड डिस्पर्सल के प्रोसेस को डेवलप किया, मैकेनिज्म डेवलप किया, बिल्कुल सही कहा, मींस वो फ्रूट लेकर आए, बिल्कुल, और जिम्नोस्पर्म ने एक टाइप का पॉलिनेशन अडॉप्ट किया वो भी एलोगेमी, और फ्रूट वो लेकर नहीं आया, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो एक लिमिटेड एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, जी हां सर। सेलेक्ट मिसमैच्ड पेयर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं उनको सेलेक्ट करना है, अराकिस मतलब सर ये मूंगफली ग्राउंडेड आर्टिस्टोगेमी सही, यक्का प्रोड्यूबा मॉथ फाइकस एनिमोफिली, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, इसमें इंसेक्ट के थ्रू होता है, बिल्कुल इंसेक्ट, और हार्कोगेमी आप कई देर से बता रहे हैं कैलोट्रोपिस में मिलती है, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड एंथरलोब, इसके लिए वर्ड यूज किया आपने हार्को, तो हमारा आंसर थर्ड थर्ड। लेग्यूम प्लांट्स में मोस्टली क्लिस्टोगेमी ही मिलती है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो आपने पढ़ा होगा कि एक वैक्सिलम होता है, साइड में दो विंग्स होते हैं, आगे दो कील होते हैं, ये क्या करते हैं एनक्लोज रखते हैं, लसेक्स ऑर्गन्स को पैक करके रखते हैं, तो उसको क्लिस्टोगेमी को शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच इज नॉट इंक्लूड इन फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के लिए क्या वहां नहीं होगा, फुल ऑर्डर फ्लावर में प्रेजेंस, ये तो ठीक है, नेक्टर इज प्रेजेंट सही है, स्मॉल साइज्ड पोलन ग्रेन विद पोलन किट, ये भी ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ स्मॉल साइज्ड का, इससे ही स्मॉल नहीं चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि इंसेक्ट को उसमें एंटर हो तभी उसकी बॉडी से कांटेक्ट में आएंगे आपके पोलन ग्रेन, तो आंसर कहना चाहूंगा मैं फॉल ऑर्डर के अंदर हमारे पास रेफ्रेशिया आ जाता है जिसमें फ्लाइज वगैरह जो पहुंच जाती है, ठीक है, बदबू मारेगा, गंध आएगी, सुगंध आएगी तो अच्छी बात है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, लेकिन यदि बदबू आएगी तो भी तो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो बदबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है,
नेक्टर की प्रेजेंस तो जरूरी है। यहाँ एक बात और मेरे हिसाब से हो सकती है या मैं मानता हूँ कि जो फॉल ऑर्डर होती है उसमें जो फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा होती है हाँ। और उसका जो डिस्पर्सल एरिया है वो ज्यादा होता है, इसीलिए तो रेफ्लेशन या 3 किलोमीटर में अपनी प्रेजेंस को शो कर देता है। इसीलिए इन जो प्लांट है उन्होंने ऐसे फॉल ऑर्डर जनरेट किया जिससे कि उसकी जो सर्फ एरिया जी 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 वो बढ़ जाए बढ़ जाए। इन बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल, they have to be brought together for the fertilization. Non motile है और उन्हें पास आने के लिए fertilization के लिए उन्हें पास आना ही पड़े जी। और इसीलिए NCERT ने ऐसा कहा है कि angiosperm में मेल भी नॉन मोटाइल है फीमेल भी नॉन मोटाइल है हाँ। अच्छा इसीलिए इन्हें पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि ये आता है पास का। दिस इज अचीव्ड बाय साइफोनोगेमी अच्छा जी। This is achieved by conjugation tube like spirogyra. This is achieved by transduction. ऐसा नहीं तो सर ये साइफोनोगेमी ठीक है हाँ सेकेंडरी भी ठीक है क्योंकि पॉलिनेशन यहाँ ऑप्शन में है। यहाँ कहा गया है कि ये एक कार्पल है यहाँ इसका एग रखा हुआ है ये इस जगह एग है यानी कि फीमेल ये अपना इसका फीमेल गैमेट है ना तो अब यहाँ इस फीमेल गैमेट से कनेक्ट होना है मेल गैमेट जी। तो इनके पास तरीका क्या है कि ये अपने मेल गैमेट को इस पोलन ट्यूब के जरिए लेकर आए और यहाँ से फिर इसके साथ में फ्यूज कर ट्यूब फॉर्मेशन हो गई साइक्लोगेमी हो गया बिल्कुल साइक्लोगेमी हो गई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये सेकंड नंबर है बोथ आर नॉन मोटाइल तो स्पाइरोगायरा के अंदर मोस्टली क्या होता है टू सेल्स जो है वेजिटेटिव सेल्स जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हो जाती ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब इसकी पूरी की पूरी सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर एक गैमेट की तरह बिहेव करती है एक आपके पास प्लस गैमेट है एक आपके पास माइनस गैमेट। अब क्या होता है इन दोनों के बीच में इस तरीके से एक ट्यूब की फॉर्मेशन होती है इसको हम लोग नाम दे देते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब और इसके थ्रू ये गैमेट इसके अंदर एंटर हो जाता है तो इसमें भी दोनों नॉन मोटाइल। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात यहाँ एक्सप्लेन की है हम पढ़ तो एम्ब्रियोलॉजी रहे लेकिन यहाँ पर चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसीलिए सर स्पाइरोगायरा को हम कॉन्जुगेशन में रखेंगे कॉन्जुगेशन यहाँ ट्यूब पर करेक्ट हो गया तो आंसर तो हमारा आंसर फाइनली आ जाता है तो फाइनली फोर्थ आंसर ये बन जाता है सर। सर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट सेम मीडियम पॉलिनेशन प्रोसेस जी सेम या तो एनिमोफिली हो या हाइड्रो हो या हाइड्रोफिली हो तो वायोला सर ये ऑटोगेमी कर जाएगा किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। और वॉलवॉक्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं पॉलिनेशन जैसा पॉलिनेशन होते ही नहीं तो हाइड्रिला वेलिसनेरिया जॉस्टेरा इनमें सब में हाइड्रोफिली होती है होती है ना आपको देखने में बहुत इजी लगते होंगे लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड है एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है और ये एक स्टूडेंट के लिए समझ में आना बहुत जरूरी जी सर। Consider the following diagram and choose the correct statement. ये दो डायग्राम हैं A and B इनके लिए सेलेक्ट करना है जाहिर सी बात है कि डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है ना जो आपने ये पहला पहली बार देखा बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एक एडिशनली और है जिसमें टोटल डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा है। A ऑप्शन है यहाँ पर कि इन डायग्राम A an egg apparatus showing entry of pollen tube into a synergid तो सही है सर क्योंकि ये तो एग है ये synergid है यहाँ पर हो रही है पॉलिनेशन ठीक है। डायग्राम बी सो द डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू ए synergid बिल्कुल सही है सर जी है ना क्योंकि synergid में हो रहा है एंट्री। डायग्राम ए सो द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनटू द एग एंड द सेंट्रल
सेल एन एल्गी एल्गी में तो यहां चापे से ही ये गलत हो गया जी। डायग्राम ए एंड बी बोथ रिप्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड आंसर आ जाता है, तो आंसर फर्स्ट एंड ए एंड बी है ना सर जी, बिल्कुल सही फर्स्ट आंसर इसका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक पॉलिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म सर। मेरा इसका ये बढ़िया इन्होंने बात करी है, बहुत अच्छी है, ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ये वाला बिल्कुल, ये वाला तो यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर एक प्लांट अगर पॉलिनेशन करता है तो प्रायोरिटी बायोटिक को देगा, देगा बिल्कुल, और अगर उसे एबायोटिक में भी किसी को प्रायोरिटी देनी होगी तो सर फिर एनिमो के लिए, एनिमो ऐसा एनसीईआरटी ने कह रखा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एबायोटिक विंड पॉलिनेशन, हाँ फिर ये भी एबायोटिक हो गया इसलिए फर्स्ट नहीं जा सकता। एंटेमो के लिए, हाँ मतलब आप देखो कि पॉलिनेशन जो इंसेक्ट होता है वो 80% हनी बी करता है जी जी, और मेजोरिटी में तो वाटर पॉलिनेशन यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, एनिमोफिली ही होगा। हाँ एनिमोफिली एंड एंटेमो, तो चूंकि वाटर पॉलिनेशन को तो भाई ट्रिटोफाइट ही इस चीज का भुगतान कर चुके हैं कि मुझे दुनिया से जाना पड़ा है ना, तो पॉलिनेशन अपना ही इसलिए गया था कि इससे वाटर पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए जी जी, तो ये वाटर का कंसेप्ट तो यहाँ नहीं आया और भी तो फिर ये नहीं, तो मेरा आंसर आ जाता है थर्ड, आंसर थर्ड चला जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टोगेमी सर, तो कोमेलाना और वायोला, वायोला ऑक्सेलिस ग्राउंडनट में भी ये चीज आ जाती है जी, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए क्या गलत हो सकता है, तो व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल देन दे प्रेजेंस इन क्लस्टर ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इसन करेक्ट है, हां हां स्मॉल है तो ग्रुप क्लस्टर में, क्लस्टर में क्लस्टर में करेक्ट है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द फ्लावर रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर्स, ये भी ठीक है। एक बार मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट कंटेन लॉन्ग रिब, ये तो उसमें चला गया वाटर, ये वाटर पॉलिनेशन के लिए वाटर, तो ये इसी यही रॉन्ग हो जाएगा जी। दे हैव लार्ज कलरफुल फ्लावर, ये सही लेकिन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, उसकी बात करी जा रही है। तो आउटब्रीड डिवाइसेस वो है जो क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करेंगे और सेल को डिस्करेज करेंगे, तो डिस्करेज सेल पॉलिनेशन सर सही है जी, है ना, और फिर डिस्करेज क्रॉस पॉलिनेशन ये गलत है, एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन ये बिल्कुल सही है, तो आंसर अपना ये फर्स्ट एंड थर्ड है ना। व्हेन पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, ये जेट्रोनोगेमी के रिस्पेक्ट में जी, क्योंकि प्लांट एक ही है उस पर दो फ्लावर है जी बिल्कुल, और कहा जा सकता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जी जी फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट जी, नॉन जेट्रोनोगेमी तो वैसे ही कुछ बताया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक आपके पास एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर है, ये दूसरे वाला फ्लावर, यहाँ से पोलन ग्रेन निकल कर यदि यहाँ पर पहुंचता है तो उसे इकोलॉजिकल एजेंट मतलब पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल सर ठीक है, बट पूरे प्लांट की जेनेटिक सेम है, सो गेटेनोगेमी इज द जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन बट इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन बिल्कुल सर। तो इसमें इन्होंने कहा कि जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन करेक्ट है बिल्कुल, फिर जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन ये ज्यादा करेक्ट है, ज्यादा करेक्ट, तो आंसर हमारा सेकंड चला गया बिल्कुल ठीक है, तो ये है लेकिन मोर करेक्ट की बात आएगी तो अपने सेकंड की ओर जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सम सीरियल्स लाइक द राइस व्हीट पोलन ग्रेन लॉस द वायबिलिटी विद इन, तो ये 30 मिनट्स के लिए हो जाएगा सर जी जी, बट इन मेंबर ऑफ रोजेस ये एनसीईआरटी का कुछ मंथ के लिए है ना, कुछ महीने के लिए ये एनसीईआरटी लिख रखा है, रोजेस लेग्यूमिनेसिस सोलेनेसिस पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो कुछ महीनों के लिए,
तो अपना ये आंसर 13 ये आपको याद रखना है दिमाग में अच्छे से बिठा लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेना ऑब्जर्व इन सम प्लांट वेयरिंग पार्ट ऑफ द सेक्सुअल अपैरेटस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो ये एपोमिक्सिस की ओर जा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है. तो एपोमिक्सिस पर थोड़े से सर इनको बताएं आप. अच्छा तो एक तो है ये पार्थिनोकार्पी शब्द. कार्प का मतलब फ्रूट होता है. कार्प का मतलब होता है फ्रूट. तो इसके लिए सिंपल कहा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन दे मे इंड्यूस बाय सम ग्रोथ हार्मोन्स. जी बिल्कुल जिबरेलिन लॉजी ये सब ग्रोथ कर सकते हैं. अच्छा एपोमिक्सिस के लिए सर ये है कि एपोमिक्सिस के लिए इंसान ने कहा है कि एपोमिक्सिस इज ए मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब हिंदी में कहें तो अनुहरण. हाँ मींस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिंग तो करते हैं. हाँ बट मिमिक है. बट एक्चुअली इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिल्कुल वेयर दे लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस प्रोसेस. जी जी ना तो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा ना ही इनमें मियोसिस होगा. जी तो वो सारी प्रोसेस कहलाती है एपोमिक्सिस में आ जाती है. है ना. फिर इसमें काफी डिटेल है. एपोमिक्सिस में जैसे पिछली साल सर पूछा था गया था पार्थिनोजेनेसिस. जी 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 पार्थिनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज्ड एग इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो देन इट कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस. अच्छा ये शब्द जो है इनसे आगे यूज किया सर वो सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी. वहां पर जो ड्रोन के फॉर्मेशन में इन्होंने बात करी है वहां पार्थिनोजेनेसिस शब्द यूज किया. जी जी लेकिन पिछले साल इन्होंने जो है बॉटनी में क्वेश्चन पूछा. जी बिल्कुल बिल्कुल जबकि बॉटनी में पार्थिनोजेनेसिस शब्द नहीं है. हां बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है. जी है ना. फिर वहां पर एपोस्पोरी और एपोगेमी का कांसेप्ट भी है. तो ये कंबाइंडली फिर जाके एपोमिक्सिस हो जाते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा. ठीक है तो एपोमिक्सिस ये नेक्स्ट सिलेक्ट रॉन्ग पेयर. ठीक है पोलन एलर्जी करेक्ट पार्थिनियम करेक्ट. हाँ बिल्कुल क्रायोप्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन. ये बिल्कुल सही है. ये सही है. ये भी सही है. पोलन जर्मिनेशन सर ये बोरॉन की रहती है. बोरॉन को बोरॉन तो ये यहाँ कहीं ना कहीं और मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी इनके अंदर जनरली नंबर ऑफ पोलन ट्यूब जो है वो मोर देन वन होता है. तो इनके लिए इनको हम पॉलीसाइक्लस बोल साइक्लस कंडीशन. लेकिन मोस्टली जो प्लांट है सर उस पे एक ही ट्यूब पर. हाँ मोस्टली एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट एग एपरेटस में दो सिनर्जिट ये वाली. हाँ ये कंडीशन और ये वाली एक एग हो गया सर. जी जी तो एग एंटीबॉडी नहीं आएगा. तो सिनर्जिट हो. जी बिल्कुल दो सिनर्जिट. और तो अपना फोर्थ आंसर चला 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 येलोइंग स्टिकी पोलन किट इज फाउंड ऑन पोलन केस ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर दैट आर फॉर्मड बाय. इसको तो टैपिटम सीक्रेट करता है. टैपिटम सीक्रेट करता है वो सर. इसमें यूबिस बॉडी का भी कुछ कंसेप्ट होता है. हाँ जी बिल्कुल. हाँ तो वही स्टिकी सब्सटेंस उसके जो उसका जो रफ सरफेस होता है उसमें जाके फिलिंग करता है. बिल्कुल ये इस पोलन जो किट है वो पोलन ग्रेन को जो पॉलिनेटर्स हैं उनकी बॉडी से अटैच करने में काम करता है. तो सेकंड याद रखना. अच्छा क्वेश्चन है. टैपिटम ही कंपेटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है. यही उसको स्पोरोफिलिन की पॉलिनिन की फॉर्मेशन के लिए. तो ये एक एम्ब्रियो है और कंसीडर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर एज द एम्ब्रियोनल एक्सिस एक्स.
ये एक्स एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बताई जा रही है और फिर इसके कोटिलेडन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो आंसर मैं बताऊं तो अपन यहाँ पे कोटिलेडन अटैच कर देते हैं बिल्कुल एक्स पे सारे काम क्लियर हो जाएंगे। अब क्लियर हो गया अबव है एपिकोटाइल बिलो है हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल भाई कोटिलेडन ये है कोटिलेडन्स है ना ये कोटिलेडन है ना। अब ये कोटिलेडन चूंकि डाइकॉट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो अगर इसके ऊपर का हिस्सा है तो एपिकोटाइल नीचे का हिस्सा है तो हाइपोकोटाइल तो ए तो एपी हो गया और बी हाइपोकोटाइल फर्स्ट आंसर आ जाता है फर्स्ट आंसर ये आ जाता सही। नेक्स्ट है सर ये डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड इन्होंने दिया है फाइंड आउट ए बी सी इन द फॉलोइंग चार्ट गिवन बिलो। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हैप्लॉइड है सर जाहिर सी बात है ये वाला हाँ क्योंकि इन्होंने टू एन की बात करी है तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात होगी और फिर ये ट्रिपल फ्यूजन के जरिए पेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये मेल गैमेट हो गए हाँ मेल गैमेट सेकंड मेल गैमेट और ये आपके पास पॉलर न्यूक्लियस और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो मेल गैमेट हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म हो गया जी सर तो ये सीधा सीधा अपना सेकेंड आंसर चलो बन जाता है। अच्छा है इन सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी प्लांट विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आउटब्रीड डिवाइसेस थे तो सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी जैसे सेल्फ स्टेरिलिटी सर वो ऐसा जो जेनेटिक बेसिस पर है जी 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 कि कुछ प्लांट क्या करते हैं अपनी ही पोलन ग्रेन को अपनी स्टिग्मा पर जेनेट नहीं होने देते उसी को सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी क्या जी है ना तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा प्रिवेंट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा हां बिल्कुल। तो क्वेश्चन पूछा है चौहान साहब इन्होंने इन सेल्फ कंपैटिबल प्लांट व्हिच काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट सो क्रॉस होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जीनो होगा अपने हाँ जीनो होगा क्योंकि गेटेनो में भी सेल्फ सेम सेम आ गया और ऑटो में भी सेम आ गया क्योंकि देखो जेनोगेमी को ही अपन तीन नाम टाल लेते हैं एक तो एलोगेमी है सर हाँ क्रॉस पॉलिनेशन और इसी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन जी क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है तो ये सारे नाम एक ही के हैं जेनोगेमी के तो एलोगेमी के तो क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबन शेप्ड एलोंगेटेड पोलन ग्रेन एंड येलोइंग कलर पोलन ग्रेन आर फॉर्मड इन फॉलोइंग प्लांट रेस्पेक्टिवली इसमें दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है एक रिबन शेप तो सर जस्ट वाटर के लिए चला जाएगा और येलो कलर जो है ये एंटेमो एंटेमो तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए जैसे इंसाइडर ने कहा भी है कि जैसे मान के चलो कि आप जो गुड़हल है गुड़हल के अगर फ्लावर में जो स्टिग्मा बाहर की तरफ आते हैं उस हिस्से को टच करो तो वहां बच्चों आपको पोलन ग्रेन मिल जाएंगे मतलब हाथ येलो डस्ट जैसा कनेक्ट हो जाएगा। दरअसल कैरोटीनॉइड्स होते हैं चौहान साहब उनके लिए एक बात हमें हायर बुक्स में और भी मिलती है कि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना वो पोलन ग्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं तो सनलाइट से आने वाली जो यूवी रेज होती है उनसे भी उनको प्रोटेक्शन मिलता है तो उसी की वजह से कलर आ जाता है तो इसलिए एंटेमोफिलस जो पोलन ग्रेन होते हैं उनमें कैरोटीनॉइड की क्वांटिटी कुछ ज्यादा रहती है ताकि वो यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रह सके। बहुत बढ़िया बात बताई सर ने यहाँ पर थर्ड आंसर चला जोस्टेरा एंड चाइना लोटस थर्ड आंसर आता है ठीक सर। The central cell after triple fission got zygote primary endosperm cell repeat हो गया अभी अपन ने हाँ बोथ ऑटोगेमी एंड हेटेरोगेमी आर प्रिवेंटेड इन कहां तो ये पपाया हो जाएगा सर हाँ क्योंकि डायरेसिस प्लांट है मेल फीमेल अलग अलग रहेगी तो ना तो हेटेरोगेमी होगी ना ऑटोगेमी। हाउ मेनी गिवन प्लांट्स परफॉर्म पॉलिनेशन बाय वाटर कौन कौन वाटर से करेगा सर वैलिस एरिया जो स्टेरा ऑक्सेलिस नहीं होगा नहीं हाइड्रिला बस वाटर ले ली करें इंसेक्ट और इंसेक्ट के जरिए हो जाएगा तो ये आंसर हो जाता है तो साहब आज का सर तो आज हम लोगों ने थर्ड एपिसोड कंप्लीट किया है
और इसमें हमारा जो अगला फोर्थ है उसमें हम लोगों ने सीड फ्रूट इनकी इंफॉर्मेशन ली है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करिए है ना, और इस तरीके से हमारा नेक्स्ट एपिसोड एपोमिक्सिस और इनकंपैटिबिलिटी के बारे में भी हम नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जी ओके थैंक यू थैंक यू।